हेलो गाइस, आई एम एके गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एके लीगल। तो दोस्तों, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी करने की सोच रहे हैं, तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि एलएलबी करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर तो एक बार हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई तो हम उसके बाद क्या करेंगे। और अगर आप एलएलबी करने का प्लान कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास एलएलबी की डिग्री होगी उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन होंगे, तभी आप एलएलबी करने का फैसला लीजिए। लेकिन दोस्तों, आपने एक फेमस लाइन तो सुनी ही होगी कि जो कुछ नहीं करते वो लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है ये लाइन, और गलत फहमी है। इवन जो लोग करते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आफ्टर एलएलबी आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास होंगे, क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शन एलएलबी के बाद खुल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शन है वो जो आप एलएलबी के बाद कर सकते हैं। क्योंकि अब सिर्फ खाली कोर्ट में जाना ही ये करियर ऑप्शन नहीं रहा कि एलएलबी के बाद सिर्फ कोर्ट में जाओ वकालत करो, इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, तो उन्हीं को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट है आईबीपीएस एसओ। ये आईबीपीएस एसओ का एक एग्जाम होता है, ये लॉ ऑफिसर इन बैंक। बैंक्स में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनमें लीगल ऑफिसर होते हैं, और उनका वर्क होता है ऑल लीगल वर्क रिलेटेड टू द बैंक वर्क अकॉर्डिंग टू डीआरटी एंड ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। जैसे भी जो बैंक के जितने भी लीगल वर्क होते हैं वो ये सब संभालते हैं लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर। वहीं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसके एग्जाम को आप देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और इनरोलमेंट भी होना चाहिए बार काउंसिल में। जब आपने डिग्री मिल गई हो तो आप इनरोलमेंट करा लिया हो बार काउंसिल में, एंड देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको, फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज है वो 20 to 30, 20 से 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईबीपीएस एसओ के एग्जाम। जो एग्जाम स्टेज है वो 3 स्टेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और उसकी वहीं इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इसमें अच्छी खासी है, 55,000 से लेके 60,000 के अराउंड पर मंथ है। एंड पर कल अलाउंस भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है और जॉब सिक्योरिटी है। तो अगर आपका बैंक में लीगल ऑफिसर बनने का ऑन है तो आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। हाई कंपटीशन है इसमें क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम निकलती हैं और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। वहीं सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेबी ग्रेड ए की हो, तो सेबी ग्रेड ऑफ जो है कि सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो स्टॉक मार्केट होती हैं उसके लिए सेबी इस्टेब्लिश है और इसमें लीगल ऑफिसर होते हैं। तो इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो स्टॉक एक्सचेंज बाई लॉज को देखना और इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी मार्केट की नॉलेज बहुत हो जाती है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो एक अच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानें, तो आप इसके लिए लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। और सेबी ग्रेड ए ऑफिसर लीगल ऑफिसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ये है बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, एलएलबी होनी चाहिए आपके पास, और एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट जो है 13 ईयर है, तो आप क्या कहते हैं 30 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो 3 फेजेस में होता है। फेज़ वन में पेपर वन एंड टू, एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है बस। एंड फेज टू होता है ये पेपर वन एंड पेपर टू, इसमें भी 2 पेपर होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और उसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के बाद जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं कैंडिडेट उनका नाम आता है। और इसकी सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ के ऊपर नीचे आसपास आप लगा सकते हैं, इतनी सैलरी करीब होती है। एंड पर कल अलाउंस भी काफ़ी मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो एक बेस्ट जॉब सिक्योरिटी है ये भी। आप सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन की बात करें तो पीएसयू। पीएसयू भी लो ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करती है। तो पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर एंटिटी। गवर्नमेंट की बहुत सारी कॉरपोरेशंस होती हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो उनमें भी एक लीगल ऑफिसर होते हैं वो उन्हें अपॉइंट करती है। तो वो लाइक जैसे कि जो पीएसयू हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारती हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये सब आपने नाम सुने होंगे। इन सब में पीएसयू के थ्रू आप लो ऑफिसर बन सकते हैं। सिलेक्शन जो ये लेते हैं वो क्लैट पीजी के स्कोर पे लेते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास
55 या 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब ये अलग अलग जो कॉरपोरेशन है वो अपने हिसाब से क्राइटेरिया रखती हैं कि कौन सी कितने परसेंटेज मांगती है। लेकिन जो मेन सिलेक्शन जो होता है वो क्लैट पीजी के स्कोर पे ही होता है। क्लैट पीजी में आपकी क्या रैंक है, आपकी कितने अच्छा स्कोर किया है, तो आपको क्लैट पीजी देना पड़ता है। इसलिए उसके बेसिस पे आप ये पीएसयू में आपको जॉब मिल सकती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी का अच्छा होता है इसमें, आपको 10 से 15 लाख तक का पर ईयर आपको पैकेज मिल सकता है। वहीं अगले करियर ऑप्शन की बात करें तो जैक, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आपका आर्मी में जाने का ड्रीम है या आपको जो आर्मी की जॉब अच्छी लगती है, तो आप जैक में करियर बना सकते हैं। जैक मतलब जज एडवोकेट जनरल। तो जितने भी मिलिट्री के लीगल वर्क होते हैं, जैसे कि प्रेजिडिंग ऑफिसर को एडवाइस करना मिलिट्री लॉज पे, अपील बिफोर मिलिट्री कोर्ट एंड एवरीथिंग सराउंडिंग मिलिट्री, तो ये सारे वर्क करने होते हैं और एक हाई रिस्पेक्टेबल जॉब होती है जैग में। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी होती है बैचलर्स डिग्री इन लॉ विथ 55% एंड एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर बीसीआई। मतलब कि आप एलिजिबल होने चाहिए बीसीआई के लिए, बेशक आप उसमें आपने एनरोलमेंट ना कराया हो, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होने चाहिए। आपकी डिग्री कम्प्लीट होनी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए बीसीए से अप्रूव्ड हो। एज की बात करें तो इसमें 21 ईयर एंड 27 ईयर है। यहाँ एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी है कि अब जो जैग में एक चेंजेज आया है कि वो ना क्लैट पीजी के बेस पे, जो क्लैट का एग्जाम होता है ना वो आपको देना पड़ेगा और उसके स्कोर पे ही आपका सिलेक्शन होता है। तो अब क्लैट पीजी कंपलसरी है देना, तो उसके बेसिस पे होता है। अब ये जो इसका रिटर्न एग्जाम कुछ नहीं होता, तो एग्जाम जो होता है वो 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट में शॉर्ट लिस्ट करते हैं क्लैट पीजी के स्कोर पे और जो आपकी बैचलर डिग्री है लो की उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर आपके पास मेल वगैरह आते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जो जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एक बार आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट करने के बाद आप जैग में ऑफिसर बन सकते हैं। और इसमें जो है ना काफ़ी हाई कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती हैं, 5 से 7 के बीच में हर साल इतनी पोस्ट की वैकेंसी निकलती हैं। लेकिन इसमें एक सैलरी काफ़ी अच्छी है, 56,000 पर मंथ के अप्रोक्स है। एंड पर कल अलाउंस तो बहुत ज़्यादा है आर्मी में, आपको सबको पता है कि अलाउंस कितने अच्छे होते हैं। तो आपका अगर ड्रीम है आर्मी में जाने का, आर्मी में सर्विस देने का, तो आप ये करियर ऑप्शन बना सकते हैं। वहीं नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करें तो एपीओ, ये तो काफ़ी फेमस है ही। एपीओ मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, मतलब ये सरकार का वकील होता है, एक तरीके से सरकारी वकील, जो आम भाषा में लोग जानते हैं सरकारी वकील। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसका एग्ज़ाम होता है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम, मतलब जो स्टेट एग्ज़ाम लेती है उसके थ्रू होता है। अब एपीओ जो सरकारी वकील होते हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कई तरीके से बनते हैं। यूपीएससी के थ्रू ही बनते हैं, सेंटर बनाती है और कहते हैं स्टेट के लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, वहीं एक्सपीरियंस बेसिस पे भी होते हैं। लेकिन हम इसमें बात करते हैं एपीओ के थ्रू जो एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं, जैसे आप एलएलबी अपनी क्लियर करते हैं उसके बाद आप कैसे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, एज आपकी 21 से 35 तक के बीच में होनी चाहिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एज क्राइटेरिया है, लेकिन जो जनरली होती है वो 21 से लेकर 35 की। प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन सम स्टेट। कुछ कुछ स्टेट्स में क्या है कि वो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट मांगते हैं 2 ईयर या 3 ईयर, और कुछ में आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। वहीं एक चीज़ और, ये जो एपीओ है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में बात करें तो एडीपीओ, हरियाणा में एडीए, यूपी एंड यू उसमें उत्तराखंड में एपीओ के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में एपीपी। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना पड़ता है। और वो सरकारी वकील होते हैं, तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर का आप एग्जाम दे सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप एलएलबी के बाद ये करते हैं तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्रिमिनल लॉ का। आपको अगर इसमें अपना करियर बनाते हैं तो आपको क्रिमिनल लॉ की एक अच्छी समझ होंगी, क्योंकि आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर जितने भी होते हैं क्रिमिनल मैटर ही आपके पास आते हैं। वहीं एग्जाम स्टेज का प्रीलियम्स, मेंस, इंटरव्यू इन 3 3 स्टेज में होता है। प्रीलियम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मेंस रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। सैलरी की बात करें तो 65,000 से लेकर 70,000 तक पर मंथ आपके हाथ में आती है। पर कल अलाउंस तो इसमें काफ़ी होते हैं सरकारी वकील में, और एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है। लिटिगेशन में आप खिलाड़ी बन सकते हैं अगर आप
इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो वहीं अब नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करें, आरबीआई ग्रेड बी, तो आरबीआई भी अपने लीगल ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकालती है ग्रेड बी की, तो आप आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। अब इसमें भी जो जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं रिसीव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ बैंक, जो बैंक से वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं उनके लीगल इशू आते हैं उन्हें हैंडल करना होता है, ड्राफ्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है बैंक की तरफ से, तो ये सारे वर्क होते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए LLB विद मिनिमम 50% मार्क्स से, 50% आपके LLB डिग्री में आने चाहिए, और एज क्राइटेरिया 21 से लेके 32 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा जाता है 2 ईयर्स का। एज एन एडवोकेट हो सकता है, वो लीगल कंसेंट हो सकता है, किसी बैंक वैंक के लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, किसी बैंकिंग वगैरह में आपने वर्क किया हो, या एज एन फुल टाइम टीचर इन किसी लो कॉलेज में भी किया हो तो भी एलिजिबल है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम। एग्जाम स्टेज की बात करें तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दो एग्जाम होते हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2, और सैलरी काफ़ी अच्छी है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 1,16,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। पर्क्स एंड अलाउंस भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें, गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, कंपटीशन भी इसमें काफ़ी हाई रहता है। वहीं एक करियर ऑप्शन आपके पास ये भी है कि जो आप LLB के बाद आप LLM कर सकते हैं। अगर आप LLM करते हैं तो आप एकेडमिक्स में और आप प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं। आपको UGC नेट देना होता है, जिसके बाद जब आपका UGC नेट क्लियर हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, आप लो कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है आफ्टर LLB कि आप लो कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। वहीं ये हम सबके ड्रीम जॉब होती है, जितने भी जो LLB करते हैं उनका सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी का आप किसी से सुनेंगे तो वो जुडिशरी का जरूर करना चाहता है, जज बनना सब चाहते हैं, तो लेकिन कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, तो जो जज जुडिशरी की जो पोस्ट होती है ये एक बार सबको एग्जाम देना भी चाहिए, इसका काफ़ी अच्छी जॉब सिक्योरिटी है, हाई रिस्पेक्टेबल जॉब, इससे ज़्यादा हाई रिस्पेक्टेबल जॉब तो कोई हो ही नहीं सकती। तो जो जुडिशरी एग्जाम है ये 2 तरह की होती है, एक लोअर जुडिशरी एक हायर जुडिशरी। तो लोअर जुडिशरी आप LLB के बाद तुरंत लोअर जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हायर जुडिशरी आप मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस और 35 ईयर के बाद ही आप हायर जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। तो वहीं अगर बात करें तो ये स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है, हर स्टेट जुडिशरी जो होती है अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है। जो जुडिशरी है जैसे मध्य प्रदेश के अलग जुडिशरी के एग्जाम निकलते हैं, दिल्ली जुडिशरी के अलग, UP जुडिशरी के अलग, यूनियन लेवल पे जुडिशरी का एग्जाम नहीं होता, स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए LLB में और एज 21 से लेकर 35 के बीच में। हर स्टेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है वैसे एजिस की, लेकिन जो जनरल एज है वो यही होती है, और सिलेबस भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कहीं कहीं लोकल लैंग्वेज भी मांगी जाती है। तो आप जुडिशरी की सोच रहे हैं तो आप जुडिशरी में भी अपना सीधा एग्जाम दे के आप जज बन सकते हैं। और एग्जाम स्टेज की बात करें तो प्रीलिम्स होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मेंस होता है रिटन टाइप्स का, और इंटरव्यू होता है। सैलरी की बात करें तो 50,000 से लेके 80,000 के बीच में पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है इसमें, एंड पर्क अलाउंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जुडिशरी में आप अपना करियर बना सकते हैं अच्छे तरीके से। वहीं एक UPSC भी है, UPSC हालांकि सब बैचलर डिग्री के बाद लेते हैं, लेकिन अगर आपने लॉ में भी बैचलर कर रहा है तो भी आप 2 UPSC दे सकते हैं। बस आप अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट, आप अपना लॉ सब्जेक्ट ले सकते हैं और आप UPSC भी दे सकते हैं। एग्जाम्स का सबको पता ही है कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू इसमें होता है। और वहीं क्या आते हैं, आप जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है, आप SC लो क्लर्क कम रिसर्चर। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो लो क्लर्क होते हैं, रिसर्चर होते हैं, आप उसके लिए भी अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं, एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है ये भी, लेकिन ये शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट होता है 1 ईयर का, हालांकि ये एक्सटेंड भी हो सकता है बाद में, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट होता है। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी वर्क विद सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वहीं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन LLB एंड कैंडिडेट इन फाइनल ईयर विल बी आल्सो एलिजिबल। अगर आप 5 ईयर या 3 ईयर से
एलएलबी कर रहे हैं तो आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए आपको, मतलब कि जितने भी ये जो लो वेबसाइट होती हैं मनुपात्रा, एनएसएससी, एससीसी, इन सब में आपको एक रिसर्च की एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो एज 20 से लेकर 13 के बीच में आपकी एज में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम स्टेज का होता है पार्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड पार्ट टू रिटर्न एग्जाम होता है। सैलरी की बात करें तो 18,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलती है, वर्क एंड अलाउंस भी अच्छे हैं। वहीं अगर लीगल जर्नलिज्म, एक करियर ऑप्शन लीगल जर्नलिज्म भी है। आप जो अगर लीगल जर्नलिज्म में भी अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब लीगल जर्नलिज्म में भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब, तो एक लीगल की कैटेगरी भी होती है जैसे लीगल न्यूज़ वगैरह। द एस्पिरेंट मस्ट बी फ्लुएंट इन लैंग्वेज, तो जो लीगल जर्नलिज्म में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं उनकी लैंग्वेज में फ्लुएंट होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज होती है, मतलब प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज। एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए एंड आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। सैलरी की बात करें तो आपको 12 से 15 लाख तक का पैकेज इसमें मिल सकता है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉयर। तो काफ़ी लोग स्टूडेंट की ड्रीम ये भी होता है कि वो कॉर्पोरेट लॉयर बने, और ये इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें हाई पेड जॉब्स होती हैं। हर कोई कोर्ट में नहीं जाना चाहता, स्ट्रगल नहीं करना चाहता कोर्ट में जाके। आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो कॉर्पोरेट लॉयर में भी अपना करियर बनाने के लिए सोचती है। तो जॉब्स होती हैं लो फॉर्म्स में एंड हाई पेड जॉब्स होती हैं, जो वर्क जो होता है रिलेटेड ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, बैंकिंग, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, इस तरह के जो वो होते हैं वर्क नेचर, इस तरह के कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, इन फील्ड में वो वर्क करते हैं। सैलरी की बात करें तो इनिशियल में तो आपको 38,000 से 50,000 पर मंथ आपको मिलती है, लेकिन इसमें सैलरीज इंक्रीज होती रहती है, जल्दी इवन 1-2 लाख तक भी सैलरीज पहुँचती हैं अच्छी एक टाइम के बाद। तो कॉर्पोरेट लॉयर भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है अच्छे पैसे कमाने के लिए। वहीं अब नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करें तो लिटिगेशन तो एवरग्रीन है ही। लिटिगेशन तो क्या है कि ये बहुत पुराना करियर भी है और हमेशा चलता ही रहेगा। आप कोर्ट में जाते हैं, जज के सामने प्रेजेंट होते हैं, इसी को लिटिगेशन कहते हैं, जितने भी आप मुकदमेबाजी करते हैं। लेकिन लिटिगेशन में क्या है, लोग आना थोड़ा कतरा रहे हैं आजकल, क्योंकि इसमें एक स्ट्रगल ज़्यादा है। आप इंडिपेंडेंट एडवोकेट बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शुरू के 1-2 साल किसी सीनियर के अंदर वर्क करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको आपके पास एलएलबी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो, और आप इनरोल करानी चाहिए अपने स्टेट बार काउंसिल, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं सीनियर एडवोकेट के अंदर। 1-2 साल सीनियर एडवोकेट के अंदर प्रैक्टिस करके आप अपने खुद की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो लिटिगेशन में वैसे लोग कम आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शुरू में पैसे की कमी बहुत रहती है, शुरू में क्लाइंट होते नहीं हैं, सीनियर के नीचे काम करते हैं, वहीं एक छोटा सा अमाउंट मिलता है कैंपिंग के तौर पे, तो लोग बचते हैं। लेकिन एक करियर ऑप्शन है, अगर आपने अपना करियर इसमें इस्टेब्लिश कर लिया तो फिर इसमें आप बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। इवन कंपैरिजन ही नहीं है लिटिगेशन में, कहते किसी का, और सब में कहते हैं एक लिमिट होती है कि आप कितना पैसा करते हैं, पर ये एक अनलिमिटेड इसमें वो है कि आप अनलिमिटेड करियर ग्रोथ कर सकते हैं। तो लिटिगेशन में मेरा फेवरेट है, बस ये है कि आपको इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आई होप गाइस आपको इतने सारे करियर ऑप्शन पता पड़ गए होंगे कि एलएलबी के बाद आप क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।